हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्क स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूं 50 मार्क्स इंग्लिश का यहां पे क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, 50 मार्क्स इंग्लिश का, ठीक है। बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षा देने वाले छात्र हैं दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन जो है मिस नहीं होगा। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर जब 15 सेट आने वाले हैं, लगभग आपको 15 और 25 को गुना कर दो, ठीक है, उतना क्वेश्चन जो है आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन जो आप लोगों को बाहर नहीं पूछेगा, जितना मैंने यहाँ पे बता दिया उतना ही करके जाओगे तो आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर जो है प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आगे के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसे हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और आप लोगों के एग्ज़ाम में क्या क्या पैटर्न बदलाव होते रहते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताते रहता हूँ, इसलिए चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे सेट टू है, ठीक है, और इसी तरह से लगभग लगभग 15 सेट आएंगे दोस्तों, तो आप लोगों को उम्मीद है एक भी सेट आप लोग मिस नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वी डिसाइडेड बाय अ न्यू कार, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मोस्ट सुटेबल ऑप्शन कौन सा होगा, तो वी डिसाइडेड बाय अ न्यू कार, ठीक है। तो यहाँ पे बाइक देखिए घेर दिया गया है, तो यहाँ पर जो आप लोगों को कुछ चेंजेस करना है, मोस्ट सुटेबल यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, तो वी डिसाइडेड टू बाय अ न्यू कार, ठीक है। वी डिसाइडेड के बाद टू का प्रयोग होगा, ठीक है, आर्टिकल का, सॉरी, टू का यहाँ पे प्रयोग होगा प्रीपोजिशन। वी डिसाइडेड टू बाय अ न्यू कार, यहाँ पे एक का ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दो नंबर है कि चूज द मोस्ट सुटेबल मीनिंग ऑफ द फ्रेज ब्रेक इन टू। तो ब्रेक इन टू का हिंदी समझते हैं पहले, इसका मतलब होता है ज़बरदस्ती घुस जाना, तब आप लोग आराम से निकाल सकते हो ज़बरदस्ती घुस जाना का, तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर हिंदी समझ जाओगे तो आप लोग आराम से इसका आंसर दे पाओगे। ब्रेक इन टू का हिंदी होता है ज़बरदस्ती घुसना, तो यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है दो का सी, यहाँ पे इंटर बाय फोर्स, यानी ज़बरदस्ती यहाँ पे बल्ब के द्वारा जो है यहाँ पे प्रवेश हो रहा है, तो यहाँ पे दो का सही उत्तर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तीन नंबर है दोस्तों, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि चूज द मोस्ट सुटेबल मीनिंग ऑफ द फ्रेज अ बिग ड्रो, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी समझते हैं पहले, अ बिग ड्रो मतलब एक बड़ा जो है यहाँ पे प्राइज, मतलब ड्रो, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा का प्रयोग आ रहा है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, तो आपको जो बड़ा का यहाँ पे ए ह्यूज अट्रैक्शन, ठीक है, ह्यूज मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए ह्यूज अट्रैक्शन, तो यहाँ पे तीन का सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। चार नंबर है कि आवर ग्रैंड मदर इज अराइविंग फिल इन द ब्लैंक्स द, यहाँ पे थ्री इंटू, ठीक है, 3:30 ट्रेन बता रहा है, तो यहाँ पे आवर ग्रैंड मदर इज अराइविंग जो है हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रयोग होता होगा दोस्तों, ऑन द, ठीक है, ट्रेन होगा यहाँ पे, चार का यहाँ पे बी का ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑन, आवर ग्रैंड मदर इज अराइविंग ऑन का प्रयोग होगा यहाँ पे, प्रीपोजिशन, सुटेबल प्रीपोजिशन, अराइव ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे चार का सही उत्तर आपका बी हो जाएगा, अराइव ऑन का प्रयोग होगा। पाँच नंबर है कि चूज द मोस्ट वर्ड करेक्टली स्पेल्ड, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट क्या है, तो यहाँ पे पाँच का जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी जो है आपका सही है, एडलो सेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ए डी ओ एल ई एस सी ई एन सी ई, एडलो सेंस मतलब क्या होता है, तो युवा अवस्था या किशोरा अवस्था, ठीक है। तो यहाँ पे पाँच का सही उत्तर आपका डी हो जाएगा, एडलो सेंस। देखिए छः नंबर जो क्वेश्चन है कि ए बोला जा रहा है कि प्लीज़ वेट फॉर मी एट होम अनटिल आई फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम ऑफिस, यहाँ पे चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन पूछा जा रहा है कि प्लीज़ वेट फॉर मी एट होम अनटिल आई, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, अनटिल आई रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, ठीक है, न कि रिटर्न होगा, आई रिटर्न का प्रयोग होगा, वी वन का प्रयोग होगा, ठीक है। देखिए आई रिटर्न दिया गया, ये नहीं होगा, आई एम जोड़ दिया गया है, क्योंकि आई एम के बाद वी फोर का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वी वन दिया है, ये गलत है, आई रिटर्न्स कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आई के साथ जो है प्लुरल सिंगुलर वर्ब जो है यहाँ पे नहीं लगे, यहाँ पे आई रिटर्न वी वन का प्रयोग होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आई प्लीज़ वेट फॉर मी एट होम अनटिल आई रिटर्न फ्रॉम ऑफिस। तो यहाँ पे 6 का सही उत्तर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ वेट फॉर मी एट होम अनटिल आई रिटर्न फ्रॉम ऑफिस। देखिए 7 नंबर है कि द एक्यूज्ड वाज गिल्टी ही एडमिटेड दिस इन कोर्ट, ठीक है। इसको बताना है कि चूज द सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, इसको दोनों को एक साथ करेंगे तो क्या सुटेबल कॉम्बिनेशन बनेगा, सेंटेंस बनेगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों द एक्यूज्ड एडमिटेड इन कोर्ट डैट ही वाज गिल्टी, ठीक है। यहाँ पे 7 का आपका ए जो है ये ऑप्शन, ये सुटेबल जो है मोस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेज लग रहा है, द एक्यूज्ड एडमिटेड, ठीक है, क्योंकि कोई चेंजेज नहीं करना है, ठीक है आपको, एडमिटेड इन कोर्ट डैट ही वाज गिल्टी, ठीक है। तो यहाँ पे 7 का ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और सब में देखिए यहाँ पे ही इज गिल्टी, इज गिल्टी बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे द एक्यूज वाज गिल्टी, वाज का प्रयोग होगा दोस्तों यहाँ पे डेट के साथ, ठीक है। 8 नंबर है, वैसे भी आप लोग ऑप्शन चूज करके बना सकते थे। फिल इन द ब्लैंक्स लाइन इज अ फेरोसियस एनिमल, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 का सही उत्तर आपका हो जाएगा द लाइन इज अ फेरोसियस एनिमल। और फेरोसियस मतलब क्या होता है दोस्तों, खतरनाक खूंखार उग्र जानवर होता है। तो यहाँ पे द आपका सही उत्तर हो जाएगा द लाइन इज अ फेरोसियस एनिमल, ठीक है। 8 का सही उत्तर आपका बी हो गया। 9 नंबर है कि व्हेन द मॉर्निंग फिल इन द ब्लैंक्स द मर्डर वाज डिस्कवर्ड, ठीक है। व्हेन द मॉर्निंग केम, तो यहाँ पे देखिए केम का प्रयोग होगा यहाँ पे, 9 का सही उत्तर आपका ये हो जाएगा व्हेन द मॉर्निंग केम द मर्डर वाज डिस्कवर्ड। द बेस्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है व्हेन द मॉर्निंग केम, ठीक है, जैसे ही मॉर्निंग आया तो द मर्डर वाज डिस्कवर्ड, ठीक है। 10 नंबर है कि वुमेन लाइक मेन टू फ्लेटर देम, चूज द मोस्ट सुटेबल पेसिव वॉइस। देखिए ये एक्टिव वॉइस में दिया गया है, आपको पेसिव वॉइस बताना है कि वुमेन लाइक मेन टू फ्लेटर देम। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों सही उत्तर, वुमेन लाइक टू बी फ्लेटर्ड बाई मेन, कैसे होगा देखिए, वुमेन लाइक टू बी फ्लेटर्ड, ठीक है, बाय मेन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो गया दोस्तों, 10 का सी आपका राइट आंसर है। यहाँ पे 11 नंबर है कि राधा सीट्स फिल इन द ब्लैंक्स रेखा एंड सीता, चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन। तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, राधा सीट्स कहाँ बैठी है, रेखा और सीता के बीच में, तो यहाँ पे बीच हो गया दोस्तों, बिटवीन। 12 नंबर है कि माई फादर फिल इन द ब्लैंक्स न्यूज़पेपर आफ्टर गेटिंग ऑफ, माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर, इज रीड नहीं होगा, माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिंगुलर वर्ब है, तो माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर आफ्टर गेटिंग ऑफ। तो यहाँ पे 12 का सी आपका रीड्स होगा, ठीक है, नौ कि इज रीड का प्रयोग नहीं होता, रीड्स प्रयोग होता है। यहाँ पे भी आ गया दोस्तों, चूज द मोस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, ही रोट अ लेटर ही सेंट इट थ्रू द मैसेंजर। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो गया ही रोट अ लेटर एंड सेंट इट थ्रू द मैसेंजर, ठीक है, एंड का प्रयोग होगा यहाँ पे। 13 का सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ही रोट अ लेटर एंड सेंड इट थ्रू द मैसेंजर, ठीक है। देखिए दो दो जगह ही है दोस्तों, तो एक ही कहीं जगह ही का प्रयोग होगा, तो ही रोट अ लेटर, और सब में देखिए चेंजेस कर दिया है, ही राइट अ लेटर, ही रोट यहाँ पे दिया गया, तो ही राइट कैसे हो जाएगा, ही राइट्स कैसे हो जाएगा, ठीक है, ये तो दोनों गलत है, ही राइट इसमें एस लगा दिया है, उसके बाद ही विल राइट ये कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे 13 का सही उत्तर आपका सी हो गया, मोस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन, अवॉइड मेक सिली मिस्टेक, ठीक है, अवॉइड मेक सिली मिस्टेक, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अवॉइड मेकिंग सिली मिस्टेक्स, ठीक है, अवॉइड जो है मेकिंग सिली मिस्टेक्स। तो यहाँ पे 14 का सही उत्तर आपका डी हो जाएगा, नो कि डू का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे अवॉइड मेकिंग सिली मिस्टेक्स, ठीक है, मिस्टेक्स। 15 नंबर है कि द फिल्म वाज फनी
फिल इन द ब्लैंक्स द एंड चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन द फिल्म वॉज फनी एट द एंड ठीक है द फिल्म वॉज फनी एट का प्रयोग होगा एट द एंड फॉर द एंड विथ द एंड टू द एंड ये देखिए कहीं भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं बन रहा चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन यहाँ पे एट द एंड का प्रयोग होगा 16 नंबर है कि व्हाई इज डेविड सेंट टू सलीम हाउस ठीक है चूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे देखिए ये आप लोगों के बुक से है यहाँ यहाँ से जो है देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि क्वेश्चन जो है फ्रॉम 16 टू 25 यानी 16 से 25 तक बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट यानी आप लोगों के बुक से यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले 15 क्वेश्चन आप लोगों को जो है ग्रामर सेक्शन से था जहाँ पे पैसिव वॉइस करेक्ट स्पेलिंग फ्रेज इस तरह से क्वेश्चन था अब जो है आप लोगों को बुक से रहने वाले हैं 10 क्वेश्चन ठीक है अगर बुक पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता चल गया होगा और पता चल रहा होगा व्हाई इज डेविड सेंट टू सलीम हाउस तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा बिकॉज ही बाइट्स मिस्टर मर्ड स्टोन्स हैंड ठीक है तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों व्हाई इज डेविड सेंट टू सलीम हाउस का बिकॉज ही बाइट्स मिस्टर मर्ड स्टोन्स हैंड ठीक है ये आप सबके बुक से ही है इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है 17 नंबर है कि गुड मैनर्स इज रिटेन बाय किसके द्वारा लिखा गया है गुड मैनर्स तो ये लिखा गया है जेसी हिल के द्वारा ठीक है तो यहाँ पे 17 का सही उत्तर आपका बी हो गया 18 नंबर है कि द सोल्जर इज या एन ठीक है तो ये हो जाता है दोस्तों आपका 18 का यहाँ पे सोनेट ठीक है द सोल्जर इज अ सोनेट या फिर एन अ सोनेट तो यहाँ पे 18 का सी आ जाएगा राइट आंसर 19 नंबर है दोस्तों यहाँ पे कि व्हाट डज पेगोटी ऑब्जेक्ट टू ठीक है चूज द करेक्ट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे व्हाट डज पेगोटी ऑब्जेक्ट टू मिस्टर मर्डस्टोन कटिंग डेविड्स मदर यहाँ पे 19 का सही उत्तर आपका बी हो गया 20 नंबर है कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट लैंड एबसेंट माइंडेडनेस इज फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट लैंड एबसेंट माइंडेडनेस इज क्या होगा दोस्तों यहाँ पे ऑर्डिनरी ठीक है ऑर्डिनरी यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 21 नंबर है कि मैन इज द मोस्ट रेस्टलेस एंड इनर्जेटिक ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स इट इज टेकन फ्रॉम किस चैप्टर से लिया गया है ये लाइन दोस्तों तो ये जो लाइन लिया गया है आपका आवर ऑन सिविलाइजेशन के ठीक है 21 का सी आपका सही उत्तर हो गया 22 नंबर है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज अ ड्वार्फ ठीक है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज अ ड्वार्फ तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों मिस इमली ठीक है मिस इमली 23 नंबर है कि व्हाई डज डेविड गो टू यारमाउथ ठीक है तो इसका जो चूज द बेस्ट करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ये होगा टू विजिट पेगोटीज फैमिली 24 नंबर है कि एज प्रिजन्ड बर्ड्स मस्ट फाइंड इन फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम किस चैप्टर से लिया गया है दोस्तों ये लाइन तो ये लिया गया एवरी वन सेंग से ठीक है 25 नंबर है कि द लाइन ये लाइन जो किस चैप्टर से लिया गया है देख सकते हैं किस पोएम से एंड आई सेल हैव सम पीस देयर फोर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो ये जो लिया गया है दोस्तों लेक इसलिए ऑफ इन इज फ्री ठीक है 25 का यहाँ पे डी हो गया दोस्तों यहाँ पे हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं 50 मार्क्स इंग्लिश का काफ़ी सारे सेट आने वाले हैं दोस्तों आप लोगों के एग्जाम के लिए तो इसलिए चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे समय टू समय ठीक है मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद